उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच खबर है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी नई रणनीति बनाएगी। इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने मंथन करने के लिए लखनऊ में पार्टी अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ये बैठक आज और कल यानी 28 मई को बुलाई है। बैठक के पहले दिन मायावती मुख्य जोन प्रभारियों और दूसरे दिन जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली थी। मायावती अब पार्टी को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। इसके लिए वे लगातार विचार विमर्श कर रही हैं। इस बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। उधर कांग्रेस पार्टी भी निकाय चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी इसके लिए जोनवार बैठक कर रही है। आम आदमी पार्टी भी इसके लिए तैयारियां कर रही है। पार्टी ने 26 जिलों में जिलाध्यक्ष बना दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 के आसपास नगर पालिका परिषद और लगभग 450 नगर पंचायतें हैं। इसी साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के हिस्से में सिर्फ एक विधानसभा सीट आई थी। इसके बाद से ही पार्टी में मंथन और रणनीति बनाने का दौर जारी है। बसपा की कोशिश है कि वो निकाय चुनावों में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सके, ताकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे इसका लाभ हो सके।